आई थिंक इसने ग्रेनेड खाया हुआ, वो सूरों के लिए नहीं डालते हैं। पर किसका है? बीमारी से ऐसे आवाज। पानी कुछ पी रहा है? नहीं, ये नहीं जा रहा है इससे। पीने की कोशिश कर रही है पर मुंह खून वगैरह हो जा रहा है पानी में। चार पांच दिन तो ऐसे ही चल रहा है इसका। उससे पहले पता नहीं कब का हुआ है मुंह खराब इसका, क्या पता एक दो हफ्ते हो गए। रो रही है वो। रो तो क्या करे। चलो चल प्यास लग रही है पानी। धीरे धीरे चलो, अगर एक बार बैठ गई ना तो बड़े अंदर आई थी जड़ की थोड़ी। ठीक है सर, जड़ यानी रुको। शाबाश 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 शाबाश। ओ माय गॉड। बट ओहो गॉड, मैंने देख क्या हो रहा है। जबड़ा लग हो गया ना। ओए मत उठ मैडम, जल्दी लटकाओ इस सब। तो ऊपर भी नहीं हो सकता, तो कुछ जॉय नहीं है, जॉय चला गया। खाना ही कैसे खाएंगे? टंग ब्लास्ट हो गई है। टंग इवन ये जो है विंड पाइप है, इसको नाक से नहीं आ रहा होगा सांस, अभी ये मुंह से आ रहा है सांस। अभी डर इसे ले रही है, जैसे ब्लड लॉस हुआ होगा इसका काफ़ी ज़्यादा ना, उसकी वजह से बॉडी में ब्लड की कमी तो होगी। और रेस्पिरेशन फास्ट है, पानी ये पी नहीं पा रही है। डिहाइड्रेशन है तो दैट मीन्स कि अपना ये बॉडी टेम्परेचर भी नहीं मेंटेन कर पा रही होगी। अगर ऐसा केस अभी किसी ह्यूमन के साथ हो जाता ना, ऐसी वायरल हो जाती खबर। तो डीएनएस मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये काफ़ी टाइम से प्यासी। आटे में बम लगाए जाते हैं सुअरों के लिए, ताकि जब कोई भूखा सुअर इसको मुंह में डाले तो विस्फोट से या तो वो मर जाए या इतनी बुरी तरह घायल हो जाए कि उसको मार के खाया जा सके या खाने के लिए बेचा जा सके। पर क्योंकि गाय एक बड़ा पशु है, वो विस्फोट से मरती तो नहीं पर उसका जबड़ा इस तरह टूट जाता है कि ना तो वो खाना खा सकती है और ना ही पानी पी सकती है। तो गाय मरती है लगभग 7 दिन में प्यास से तड़प तड़प के। लेकिन जब तक वो मरती नहीं, वो चाहे जितने मर्जी बड़े दर्द में हो, हम उस दर्द को समझने का प्रयास तो कर सकते हैं पर अपने छोटे से दर्द जितना भी महसूस नहीं कर सकते। और शायद दूसरों का दर्द ना महसूस कर पाना ही एक कारण है कि हम अपने दर्द के लिए तो अपना खाना बदल लेते हैं पर दूसरों के दर्द के लिए हम सिर्फ एक बहाना बना लेते हैं। चल चल चल, दूसरी रोटी गाड़ी में मिलेगी भैया। देखो चल, रास्ते में मिलेंगे तेरे को केले। हमारे यहाँ हजारों बैल आए हैं, 1000 से ऊपर बैल आए हैं और ये 7-8 साल हो गए मैं करते हुए। दूसरा बैल है जो अडॉप्टर है सिर्फ, बाकी जो 998 बैल हैं वो हमने सड़क पे वापस रिलीज किए हैं। कुछ जो हमने अडॉप्ट किए वो अलग। जब भी पशु कोई ले जाना होता है ना, बड़े आराम से लेके जाना पड़ता है क्योंकि इनका घूमने लग पड़ता है ना सर वगैरह इनको। इसको ऐसे ही आराम से लेके जाना है, इसके जो सारे जो घाव है ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी जब ये अभी तो भर गया है ये घाव, लेकिन अभी कच्चा है। कच्चा है तो जब ये आया था तब तो इसको पूरा ऐसे अंदर तक खून खून सारा, किसने तेल डाल दिया था इसके मालिक नहीं घर से निकालने की। अब अधिकांश लोग गाय पालते हैं मुनाफे के लिए और बैलों से किसी को कोई मुनाफा है नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, 1966 के गऊ आंदोलन के बाद श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीज क्यूरियन ने ही कह दिया था कि भाई अगर डेयरी वाले बूढ़ी गाय और बैलों को रखेंगे तो मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। गाड़ी गुड़ी की नीचे इसका ना पूरा प्रेस हो गया था, क्रश हो गया था पूरा पैर। तो वो जो एम्पुटेशन जिन्होंने किया, उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने ऐसे पंखे लगा के चले दे दिए, घर पे ड्रेसिंग करना, स्प्रे दी थी एक अपने को, 2 दिन से ठीक रहा बढ़िया। तीसरे दिन सुबह सुबह चाट के पूरा पैर ही खुल गया था। सर्जरी के 2-3 दिन बाद ये जैसे चलने लगा ना तो रगड़ लगी, पूछा उसकी वजह से ढीले हो गए हो। ये जो स्टंप छोड़ा गया उसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब स्टंप होता है तो वो मूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है ना कि उनका पैर है, और अगर स्टंप नहीं छोड़ो तो एटलीस्ट वहाँ कोई मूवमेंट नहीं रहती, वो पूरा हिस्सा अपना पूरा वजन एक पैर पे डालते हैं ना। तो अभी हमें मेन इसका है कि ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, बोन बाहर है, टाइम लगेगा। मैं देखा कि वेट्स जब अक्सर एम्पुटेशन करते हैं तो वो टांग का जितना हो सके उतना बड़ा हिस्सा छोड़ते हैं। अब इस बात की ह्यूमंस में तो सेंस बनती है क्योंकि ह्यूमंस को एक नकली टांग लगवानी होती है, पर सड़क पर रहने वाले जानवरों के केस में स्टंप जितना बड़ा होगा उतना इधर उधर लग के चोट और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप एम्पुटेशन करवा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि स्टंप छोटे से छोटा रखवाएं। बैंडेज करके फिर केज में लोड करना डायरेक्ट, क्योंकि रिलीज हो रही है ना। यहाँ पे रो रहा है, केज भी तोड़ दिया कल इसने और आज हम कैनल में शिफ्ट किए, कैनल का गेट भी तोड़ दिया इसने। तो इसको हम वहीं पे ड्रॉप कर देंगे और फिर एक लोकल का नंबर ले लेंगे और पशु लिख वाला साहिल है वो वहीं पे जाता है डेली, तो उसका ट्रीटमेंट डेली वहीं पे हम करेंगे। इसकी शक्ल और अक्षित की शक्ल सेम लग रही है तेरे को? एक मिनट मैं पैन करके देखूं। हां यहां देखा। अब अक्षित को अक्षित दिखा अपनी शक्ल। बच्चे हम अडॉप्शन के लिए रखेंगे क्योंकि इनको अब आदत नहीं है, ऐसे स्ट्रीट में अभी छोड़ेंगे तो फिर ये
इम्यूनिटी वाइज वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चले मैडम चले। ये पता क्या बोल रही है कि मेरे बच्चों को ना ढंग से रखना अच्छा। चलो ना मारिया मारिया जाना तो पड़ेगा, बच्चे भी आ रहे तेरे। रुके बंद कर दे, अचानक कुछ ही नहीं करना। जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो हम बच्चों की तो सफरिंग कम करते हैं कि ना वो पैदा होंगे और ना ही मरेंगे, पर साथ ही साथ हम माँ की भी सफरिंग कम करते हैं कि उसको अपने बच्चों को मरते हुए अब दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। कब हुआ एक्सीडेंट का अभी बताएंगे। सुबह फ्लैग ले थोड़ा बहुत चल रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ तक थोड़ी सी रनिंग कर रहा है, उसके बाद बैठ जा रहा है। ये जो पपी है इसके हाइंड लेमर फ्रैक्चर है, बहुत हल्का सा फ्रैक्चर है, बैंडेजिंग नहीं कर रहे हैं, बिना बैंडेजिंग के मैनेज हो जाएगा। हमने इसका पेन किलर स्टार्ट कर दिया है और साथ में नर्व्स के इंजेक्शंस, नर्व्स के टॉनिक्स और कैल्शियम्स के टॉनिक्स जो है हम इसके स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें टिक्स और फ्लीज बहुत ज़्यादा हैं। टिक्स और फ्लीज को कंट्रोल करने के लिए हमने एंटी टिक पाउडर इसमें अप्लाई कर दिया है। 10-15 डेज में कम्प्लीटली हील हो जाएगा। पपी है, ग्रोइंग स्टेज में है तो बोन जल्दी हील होता है। तो बता देना सिचुएशन के 9 डेज टेंपर का, यहाँ पे न्यूरोकाइन ऑस्टियोपेट से वहाँ पर हील हो जाएगा और उसका एक दिन का बस पेन किलर बचा है। मैं बोल दूंगी उसको, बस बता दे माँ है ना उसकी वहाँ पे, बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। हमारी सैंक्चुरी में अब केयर टेकर का कमरा तैयार हो गया, अब यहाँ पे बस बिजली लगनी बाकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम सैंक्चुरी को दो भाग में डिवाइड करें, एक भाग जिसमें ये लोग सारे रहेंगे और फिर एक भाग जिसमें हम कुछ घंटे के लिए इनको चरने के लिए छोड़ेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई एक जानवर को खुला चरने के लिए एक एकड़ चाहिए, हमारे पास तो कुल एक एकड़ ज़मीन है और इसमें हमें रखने हैं 15-20 जानवर। तो आइडियल तो नहीं है पर मेरे पास यही दो चॉइस हैं कि भाई या तो मैं एक जानवर को परफेक्टली रख लूँ या 15 को लेस देन परफेक्ट पर सड़क पर मरने से बचा लूँ। इसका जितना वेट है वो पूरे जॉइंट्स पे पड़ता है और इसका हाइट भी कम है। In my opinion, that's the main reason. मैं व्हीलचेयर निकाल के लाता हूँ। इस केस में व्हीलचेयर ज़रूरत उतनी नहीं थी लेकिन इसके मेंटल और एक्सरसाइज के लिए, कंफर्टेबल एक्सरसाइज के लिए व्हीलचेयर हेल्प करेगा। थोड़ा तो आ गया बॉस, थोड़ा आ गया। आ जा अच्छा। पप्पू की हमने कास्टेशन करी थी लेकिन कास्टेशन करने के 2-3 दिन बाद ही उसके टेस्टिकल्स में स्वेलिंग और पस आना शुरू हो गई थी। उसके लिए हमने उसकी डेली क्लीनिंग और ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी है और उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये जो डॉग है जिसका नाम देव है, ये हमारे पास आया था क्योंकि इसके फ्रंट लेग में लिम्पिंग थी। एग्जामिन करने के बाद पता चला कि हील्ड फ्रैक्चर है, साथ ही साथ हमें ये भी पता लगा कि इसमें कैनाइन डिस्टेंपर के सिम्टम्स भी हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इसको उसके केयर टेकर के पास रखकर ही हम इसके ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे, सो दैट जो हमारे पास यहाँ पे दूसरे डॉग्स हैं उनमें ये कैनाइन डिस्टेंपर इन्फेक्शन ना फैले। हमें से अधिकांश लोग रेस्क्यू करना तब शुरू करते हैं जब हम किसी एक एनिमल की सफरिंग से कनेक्ट करते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा समय तक रेस्क्यू करते रहें और ज़्यादा जानवरों की मदद करें तो फिर फैसले हमें किसी एक का सोच के नहीं सबका सोच के लेने पड़ते हैं।